आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बीबी की वाइन्स के बारे में, और उनका तो पता ही है कि ढिंढोरा का पार्ट टू भी निकल चुका है, यानी कि सीजन वन सीजन टू तो ऐसे ही पार्ट निकलता जा रहा है और हम लोग देखते जा रहे हैं, और फिर मैं उसके बारे में रिएक्शन वीडियो बनाती जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फिर उनकी वीडियो के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि उनकी वीडियो किस तरह से अच्छी थी, किस तरह से बुरी थी और कितनी बुरी थी। तो चलिए पहला जो क्लिप है वो हम लोग देखते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे कि मैं इस वीडियो में क्या कहना चाहती हूँ। अबे थोड़ा और दीगा मानो ना यार, भैया जी कल सुबह दिक्कत हो जाएगी ना आपको, गांड से आपकी गोली आगेंगे। तुझे क्या बेंचो, हम कहते हैं साथ में कर रहे बेंचो। भैया मुझे ये बताओ, कोई इतनी गालियाँ एक गोलगप्पे वाले को देता है क्या? आपने कभी सुना है या आपने दिया है? आप अपनी बताना। मैं भी बॉर्डर पे जा रहा हूँ, सीओडी खेलता हूँ ना, बहुत सुन के तू भी लाइव कर रहा है, 32 फॉलोअर तेरे, हट हट लोड़ा संभाल के। अरे चुप रहे यार। वाह भैया, आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ है और आपको कॉमेडी सूझ रही है, जबकि आपके पापा की डेथ हो चुकी है कोरोना के टाइम में। इस तरह की वीडियो तो आपको डालनी नहीं चाहिए थी सीन के अंदर, फिर भी आपने डाला, और डाला भी तो किस तरह का एक्ट किया आपने, एकदम गालियों से बातें हो रही है, किस तरह का सीन किया आपने, वहाँ पर कॉमेडी दिखा रहे हो आप। अगर कॉमेडी सीन करना ही था, क्योंकि कॉमेडी वीडियो है आपकी तो करना था, तो कम से कम पापा की डेथ या पापा की एक्सीडेंट तो नहीं दिखाते ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी आपके पापा की डेथ हुई है और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा इस नज़र से देख रहे हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई है, लोग आपके साथ इमोशनली जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला एक्ट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा, ऐसा लगा कि यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था ये एक्ट। मेरे सामने भी नहीं हुआ ये, हाँ लेकिन अच्छा नहीं हुआ, हम वहीं थे, ये तो कुत्ते की मौत मरते हुए। वाह भैया वाह, बाप को भी गाली देते हैं लोग, आगे हमारी जनरेशन क्या सीखेगी ये तो समझ आ ही रहा है हम लोगों को। यहां बाप की हालत तो देखो आप, बाप लेटा पड़ा है, बाप मर रहा है और इन्हें रोमांस सूझ रहा है। वाह क्या एडिट किया है आपने, क्या एक्ट किया है और क्या लिखा है उसने, जिसने इस ढिंढोरा के बारे में पूरा का पूरा स्क्रिप्ट बनाया लिखा, उसको भी मेरा सलाम भाई सलाम। हाँ गुड़ा यार, अबे कहाँ गई यार, इवेपोरेट हो गए क्या, कहाँ गई, यहाँ तो नहीं, तू ड्रॉअर में क्या देख रहा है, पार बैंक है क्या अंकल भोपड़ी के, वो यहाँ भी ढूंढता है क्या इंसान को। चलिए जिन्हें वीडियो पसंद आती है वो लाइक करे, जिन्हें नहीं आती वो डिसलाइक करे, मिलते हैं अगले वीडियो में।